नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं कुकिंग की, बात करते हैं कुकिंग के मामले में खुलासों की, बात करते हैं खुलासे के बाद खुलासे के बाद खुलासे के बाद मामला जस का तस वही खड़ा है। टाए टाए फिस, बंबई से नाइजीरियन को पकड़ के लिया है, दुर्ग में रायपुर के लड़के को पकड़ लिया है, 2.5 ग्राम की पुड़िया नहीं हुई, प्याज हो गया, प्याज प्याज छिलका उतारो फिर प्याज, छिलका उतारो फिर प्याज, वैसी पुलिस का हाल है। कुकीन की एक टुक 2.5 ग्राम की पुड़िया क्या पकड़ लिए, रोज खुलासा करते हैं, रोज खुलासा करते हैं और अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। अरे इतना पीठ अपने ही थपथपा रहे, वाह रे मैं, अरे पब्लिक थपथपाए तब तो कोई बात है। बोरी में बंद करके लाश को बूढ़ा तालाब में डाल दी, खारून नहीं, शिवनाथ नहीं, महानदी नहीं, बूढ़ा तालाब शहर के बीच। पहले एक जमाने में जरूर शहर के बाहर हो जाता था, कोने में हो जाता था, उस तरफ पुरानी बस्ती लग जाती थी, अब वो शहर के बीच। हत्या, बकरी के बच्चे को नहीं डाले हैं तालाब में, आदमी को मार के बोरी में बंद करके तालाब में डाल। अब पुलिस बोलती नहीं सब ठीक है, पुलिस लगी कोकीन, अरे कोकीन के जो है सूत्रधार का आज तक आप 1 महीना बीत गया, रिमांड पे लिए जा रहे हो, जो पकड़ा था रिमांड पे लाता है, दो नाम लेता है, तो ये पार्ट पार्ट पे खुला सकता हूं, एक बार में खुला सकता हूं नहीं। मैं कभी एक कॉलम लिखा करता था पुलिस परिक्रमा, उसमें एक किस्सा मैंने लिखा था, वो याद आ गया, बहुत पुराना किस्सा है, बताना बहुत जरूरी है। एक बार सारी दुनिया की पुलिस के बीच में कंपटीशन होता है, एक कौन सबसे तेज पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड, आज दुनिया भर की पुलिस, अमेरिकन पुलिस, FBI, CBI, अरे सब, और हमारे यहाँ की भी जाती है, जंगल में खड़ा कर देते हैं, एक भेड़िए छोड़ते हैं, जापान की पुलिस घुसती है 15 मिनट में ला देती है, ले वही, अमेरिका की पुलिस 20 मिनट में ला देती है, लंदन की पुलिस 10 मिनट में ला देती है। अब सबका रिकॉर्ड ऐसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट, टफ कंपटीशन। अपनी पुलिस जाती जाती तो आती च नहीं, बाहर जो कंपटीशन के जो आयोजक परेशान, अरे भाई इंडिया की टीम कहां चले गई यार। तो जो भेड़िया खोजने निकले रहती है इंडिया की टीम, उसको खोजने के लिए कंपटीशन के आयोजकों की टीम निकलती है। अब जंगल के बीच में जाके देखते हैं तो बढ़िया सब व्यवस्था, पिकनिक चल रही है, ऐसा भड़क जाते, अरे यार क्या कर रहे हो यहाँ पे वहां पे, अरे बोले बस साहब हो गया, बोले अरे तू वो भेड़िया कहाँ है, बोले है मिल गया, अरे कहाँ है बताओ, तो एक कुत्ते को पकड़ के बांधे रहते हैं, तो बोले कहाँ, बोले ये, अरे बोले तो कुत्ता है यार, अरे 2 मिनट रुक जाओ साहब, ये कबूल करेगा ये भेड़िया है, बोले और ये कबूल किया और आपके सामने लाया और खुलासा किए, ये हाल समझ गए ना, ये हाल। अरे जो पकड़ाता उसे वो एक ही नाम बताता है, फिर उसको पकड़ने जाते हैं, फिर एक नाम बताता है, फिर उसको पकड़ने जाते हैं, फिर एक नाम बताएगा, अरे एक ही बार में पूरे नाम क्यों नहीं आ रहे सामने। IPL के सट्टे में मार दिए छापा, तेलघानी नाका वाले पकड़ के लाए, अब छोड़ दिए, खैर उसको छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन इसी शहर की पुरानी पुलिस जो है उसके साथ 151 लगा देती थी शांति भंग और उसको 2-3 दिन का जेल की हवा खिलाती थी, डरते थे, अब तो जरूरत ही नहीं। दिवाली भी है, दिवाली मनाना है, फिर ये भी तो बात सही है कि दिवाली सिर्फ हम ही क्यों मनाएंगे, उनके भी घर वाले हैं वो भी मनाएंगे, तो दिवाली का खर्चा ऐसे निकलेगा। चल भाई तेलगानी नाका वाले सालों से सट्टा चला रहा, आज तक कुछ नहीं हो सका, खोखला कर दिया शहर की पीढ़ी को, हत्या हो रही है, तालाब में फेंक दी, तालाब में लाश को बोरी में बंद करके,
हत्या होना ये पुलिस के लिए चुनौती नहीं है, हत्या होती अपराध है, अपराध कहीं पे भी हो सकते हैं, अपराध होने से कोई रोक नहीं सकता। हत्या करना भी जो है वो मनुष्य का जो है प्रवृत्ति है, अपराध की प्रवृत्ति है, परिस्थिति जन्य भी अपराध होते हैं, लेकिन हत्या करने के बाद लाश को बोरी में बांध करके शहर के बीच के तालाब में फेंकना, ये दुस्साहस है। और ये दुस्साहस तभी आता है जब अपराधी के मन में पुलिस नाम की चिड़िया का खौफ नहीं होता। पुलिस का खौफ रहता तो घर से निकलता ही नहीं डर के, यहां तो बस अपना पता नहीं कहां मिलेगा, कार मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, हो सकता है उठा के पीठ पे ले जाकर डाल दे, डर तो है ही नहीं पुलिस का। इको फ्रेंडली एक नाम आता है, इको फ्रेंडली पटाखे। तो अपनी पुलिस जो है ना वो अपराधियों के लिए जो है ना अपराधी फ्रेंडली हो गई, दिवाली मना रहे मिलके अपराधी और वो मिलके, सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, कोकीन चल रही है और बाकी सारे काम चल रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। कोई भी रैकेट पकड़ाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, काला चश्मा, बैठो, अरे वाह, अरे मैंने ये पकड़ा और अभी हम डायरी निकालेंगे और ये खुलासे होंगे, बड़े बड़े नाम आएंगे, सफेद पोस्टों के नाम आएंगे, सबका मुंह काला हो जाएगा। दूसरे दिन पता चला वो डायरी नहीं आई, सफेद पोस्ट मतलब सफेद हो गए बाल, उसको काला कराना पड़ता है, लेकिन सफेद पोस्ट लोगों का मुंह काला नहीं हुआ आज तक इस शहर में, सफेद पोस्ट ही है। 25 साल से सुनते पक गए बाल, फिर सफेद पोस्ट के नाम सामने आएंगे, अरे कौन है सफेद पोस्ट, नाम तो लो। पता चला वो स्पा में रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट, तो सेक्स रैकेट भी पकड़ लेते हैं तो उसमें भी बड़े बड़े नाम आएंगे, फलाने नाम आएंगे, अरे तो बताओ कब तक ऐसे खुलासे होंगे। ये खुलासे अब जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, ये खुलासे अब लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, ये खुलासे आपके खुद के खुश होने के लिए, खुशफहमी के लिए अच्छा ख्याल हो सकता है, लेकिन यही खुलासे जनता के मन में बहुत बुरे बुरे सवाल आपके लिए खड़े करते हैं। इन सब से बचना बहुत जरूरी है। कुकीन मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए या उस मामले को बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बार बार खुलासे 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 ये बंद होना चाहिए। उम्मीद है कि पुलिस एक बार फिर से अपने पुराने रंग में आएगी। इसी रायपुर शहर में गिरिजाशंकर ओझा, जो बाद में सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुए, सिपाही थे, हाफ पैंट में निकलते थे, अपराधी भाग जाते थे, सड़क पे कोई दिखता नहीं था, एक से एक बड़े दादा थे उस जमाने में, नन्नू दादा, नब्बू दादा, ये दादा, वो दादा, सब गायब। साधु सिंह, मोती, सिपाहियों का आतंक था। उसके बाद में एक समय आया विजय नारायण शुक्ला, शिववदन मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, शिवनाथ बड़गैया, शिव वर्मा, ये हवलदार, और कांपते थे अपराधी से। अब बड़े बड़े जो है वो रेबैन से लेके एक से एक बड़े बड़े ब्रांड वाले चश्मे पहनने वाले लोग हैं, महंगी महंगी कार में घूमने वाले लोग हैं, महंगी महंगी मोटरसाइकिल में घूमने वाले, वो तो साइकिल में वो सतरंगी डंडा फेंकते थे, दौड़ के भाग नहीं पाता था अपराधी। तो उम्मीद है रायपुर पुलिस फिर से अपना नाम रोशन करेगी। एक जमाना था लोग रायपुर पुलिस से कांपते थे। नमस्कार, अगले हम तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.